त्योहारों के मद्देनजर महानगर की कानून व्यवस्था देखने के लिए आधी रात को पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने महानगर के प्रमुख स्थलों का औचक निरीक्षण किया और अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों ने शहर में चल रही पुलिस प्रणाली की स्थिति का जायजा लिया। रविवार की रात करीब 1 बजे एडीजी दावा शेरपा ने एसएसपी शलभ माथुर के साथ रात्रि गश्त शुरू की। सबसे पहले वह धर्मशाला पुलिस चौकी पहुंचे और पुलिस चौकी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एडीजी ने चौकी इंचार्ज प्रमोद सिंह को धर्मशाला पर लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने की बात कही। उन्होंने सवारी भरने वाले ऑटो को एक स्थान चिन्हित कर खड़ा किए जाने और सवारी भरने के निर्देश दिए। उसके बाद एडीजी का कारवा बख्शीपुर पुलिस चौकी पर पहुंचा, जहां एडीजी ने मूर्ति विसर्जन को जाने वाले प्रतिमाओं के रूट मार्च का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस कर्मियों को बिजली के तारों से मूर्तियों को बचाने के निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी शलभ माथुर, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, सीओ कोतवाली वीके सिंह, सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा ने बताया कि दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि त्योहारों को शांति और भाईचारे के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं। एडीजी दावा शेरपा ने कहा, यहाँ भी सब 500 रहते हैं। 500 चौकी पर रखवा रखे हैं, सभी सेंसिटिव चौकी जो है वहाँ पे रबड़ मिल रही है, यहाँ जरूरत पड़ जाए निकलता है। दिन के सर आते हैं, देखो धर्मशाला में जाम बहुत लगता है सर, उसमें आपकी गलती नहीं है, बेसिकली जगह कम है। जी सर, और जो मैंने समझा है यहाँ पर जो ऑटो है ना सर, अब उसकी भी गलती नहीं है, इसलिए कि जहाँ सवारी मिलेगा वहीं खड़ा हो जाएगा और फिर जहाँ लोग कहेंगे यहाँ रोक दो वहीं रोकता है। ये मोड़ और आगे जाके ऐसे मोड़ है ना सर, इन दो जगह पे मोड़ में जो भी ट्रैफिक के लगते हैं या आप लोगों के लगते हैं तो उनको थोड़ा कहो कि 5 फीट आगे जाके सर, आगे पूरी जगह है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। जी सर, तो मैं भी यहाँ खड़ा हूँ तो ऑटो यहीं आ जाए मुझे उठाए, फिर तो ऑटो को भी लगता है कि जहाँ सवारी खड़ा है वहीं जाके खड़ी कर दें सर। अब यहाँ मुश्किल से एक ऑटो के बगल में दूसरा ऑटो हो जाए फिर तो निकलना मुश्किल है सर। अब एक दिन का काम नहीं, लगातार करने का काम है। थोड़ा सा आगे जैसे ये रोड है, इस मोड़ के आगे थोड़ा सा आगे खड़ा करें सबको, अगर सब ऑटो वहीं खड़ा हो जाए तो सवारी वहीं चली जाएगी क्यों, और जब सवारी वहीं मिलेगी तो ऑटो भी वहीं चले जाएंगे। यहाँ कंपटीशन में ऑटो लगाते हैं, ऑटो हो या रिक्शा हो टेम्पो हो, इधर थोड़ा ठीक हुआ इस तरफ से, यहाँ से जो ऐसे निकलते हैं थोड़ा आगे की तरफ चौड़ी सड़क में वहाँ खड़े करने लगे, लेकिन एक भी ऑटो को मोड़ में सवारी मिला तो दूसरे तीसरे पीछे बैठे बेवकूफ तो है, वो भी लगेगा कि यार ये तो ले गया हमको नहीं मिल रहा है सवारी, पीछे तो कोई नहीं आ रहा है, पटरी से कोई चले आ रहे हैं, कोई इधर अंडरपास से चले आ रहे हैं, तो उसको लगेगा कि जहाँ, तो इसलिए थोड़ा व्यवस्था बनाने की जरूरत है। अब इतनी जगह है सो है, इसको हम चौड़ा तो कर नहीं सकते, लेकिन मोड़ में चौराहे किराए में थोड़े से इस प्रवृत्ति को रिक्वेस्ट करके, अदरवाइज मैं देखता हूँ जब हम लोग पहुँचे तो मार होमगार्ड लाठी बजाने लगता है उसी को बेवजह। अब दिन भर तुमने अलाउ कर रखा है, अभी अचानक लाठी बजाओगे ये भी ठीक नहीं सर। मोड़ है या कोई खड़ी कर दे तो सारा ट्रैफिक, या गरीबों को खाना खिलाते हैं जन सहयोग से, है ना, अच्छी बात है, लेकिन हमारा काम उससे और अधिक, हमारा काम जन सुविधा करना है। अब यहाँ आप कितने आदमी को खाना खिलाओ, वहाँ पर 5,000 आदमी गाली दे के जाएँ या 5 आदमी खाना खा लें फिर बेकार हो जाएंगे, ये भी करो सर, अच्छी बात है, उसमें ही प्रयास करें। दिन में तो सर इतनी भीड़ रहती है,
ना भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है दिन में। ये कहाँ पर गया सर? ये हम लोग ने सर जो हाँ वही वाला रूट है, ये वही वाला रूट है सर, ये वहाँ। अच्छा हाँ, यहाँ से हम लोग पैदल गए, पैदल गए थे इधर से, तो आगे गए इधर से आए थे हम लोग। ये वाला हाँ नाइन्थ, ये थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है सर, यहीं पर अभी दुर्गा पूजा में यहाँ से निकले हैं जरूर का। यहाँ पर प्रतिमा कितनी है सर? ये तिरानवे होती है। तिरानवे सब अपनी जगह सही लगे फोटो वाले, जहाँ लगने चाहिए जैसे लगने चाहिए वैसे लगे ना, कोई विवाद की स्थिति नहीं है। प्रतिमा में कहीं कोई विवाद नहीं, अस्पताल के अंदर रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सार्वजनिक स्थान में नहीं रखते। अब जैसे अस्पताल के अंदर अपने कैंपस के अंदर करना चाहते हैं तो वहाँ कोई पब्लिक का नहीं, वो रोड पे है, रोड पे, रोड पे नहीं, रोड तो सार्वजनिक होगा, क्योंकि जहाँ पर सार्वजनिक होगा, जहाँ पर परमिशन विचार हो गई सर डीएम साहब ने, नहीं जहाँ डीजे बजेगा या वो सब होगा वहाँ नहीं, बिना परमिशन। अब अंदर घर के अंदर हाथे के अंदर कोई करता है जिसमें विवाद ना हो, किसी की आपत्ति ना हो, तो कोई बात नहीं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान में रखने का एक और चक्कर है कि फिर वहाँ पर भीड़ जमेगा, फिर डीजे बजेगा है ना, फिर अगल बगल वाले को फिर कहेगा कि रात भर बजा रहे हैं क्यों, ये भी तो है सर। और सबसे दिक्कत तो आज रखने में नहीं है, बाद में ले कैसे जाएगा और कहाँ ले जाएगा, रूट क्या रहेगा, कैसे जाएगा, ये भी चीज़ है नए प्रतिमा के साथ। रखने भर का समस्या तो है ही, उसके बाद में जब विसर्जन का समस्या होगा नई चीज़ों के लिए, क्योंकि बाकी चीज़ों को तो तय है कि ऐसे करके इतना बजे निकल के यहाँ से यहाँ जाएगा है ना, मतलब क्या होगा ना एग्जैक्ट ट्रेन ना जी सर, जी सर यही वाला दशहरा वाला मोटा मोटी जानकारी है यही है। होता ही है ना कि हमारे भी कुछ साथ बदलते रहते हैं, तो कुछ साथ जो थे उसने अपने तरह से निपटाया, अब कई चीज़ लिखा पड़ी है, कई चीज़ नहीं है, उसने अपने कैसे कैसे निपटाया, जो कि जाएगा नहीं, जो घटनाएँ हुई उसका तो मुकदमा दर्ज होगा, आरोप भी होगा, प्रत्यारोप होगा, लेकिन पुराने कर्मचारियों को कैसे हुआ था, क्या हुआ था, वो चीज़ कैसे निपटाया गया। कई बार ऐसा है कि घटना नहीं हुई लेकिन बड़े मुश्किल से निपटाया गया, उसको समझा बचा के रजिस्टर में अंकित नहीं है, नहीं है एफआईआर रजिस्टर में, तो वो चीज़ अंकित होगी या एफआईआर जो हुआ होगा वहाँ तो है, लेकिन एफआईआर होने का मौका नहीं मिला, समझाया बुझाया, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कौन बता सकता है जो पिछले सालों में जो तैनात रहे उस थाना चौकी में, कि किसने क्या क्रम तोड़ा था या बवाल किया था। अब इतने सारी मूर्तियाँ यहाँ आएंगी तो कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, कैसे? सर दुर्गावाड़ी की नंबर एक पे होती है, हाँ वह कंधे पे लेके चलते हैं। अच्छा वहाँ सर ये जुगन तिराहा राजघाट थाना क्षेत्र में है, वहाँ सर राघव शक्ति मिलन होता है, बड़घाट लाला जी ने कविता लिखा है राम की शक्ति पूजा, हाँ तो यहीं पर सर होता है, मतलब राम जो शक्ति पूजा किए हैं तो राघव शक्ति मिलन होता है, उसके बाद बड़घाट में होगा। हाँ बड़घाट एक जगह है सर, वहाँ होती है रामलीला। अच्छा तो वहाँ पे सर रामलीला में भगवान राम और इधर से निकलेगी सर, ये सर सीधे जाता गंगे चौराहा, गंगे चौराहा से सर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये है, जाती है घंटाघर, घंटिया सर पूरा मतलब 2-3-4 किलोमीटर लंबी मूर्तियों की लाइन लगी रहती है, और दिन में छोटी मूर्तियाँ सर सुबह से निकलना शुरू हो जाएंगी सर, लेकिन शाम के टाइम जो मूर्तियाँ निकलती हैं बड़ी बड़ी मूर्तियाँ सर जो रोशनी के प्रबंध के साथ निकलती हैं, उसमें सबसे आगे मूर्ति रहती है दुर्गावाड़ी में, इसके बाद यानी रेलवे में मूर्ति स्थापित होती है नंबर 2 पे, इनका सर क्रम है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ये तीनों मूर्तियाँ सर कंधे पर चलती हैं और इनके लिए रास्ता आगे सब लोग खाली कराते हैं। ये मूर्ति जाके वहाँ पर जुगन तिराहे पर रुक जाती है, ये मूर्ति पहले पहुँच जाएगी और रामलीला के पात्र भगवान राम जो है शक्ति की पूजा करने के लिए वहाँ पर आते हैं, उसका नाम दिया गया राघव शक्ति मिलन, और इसी सर राघव शक्ति मिलन पे निराला जी ने सर कविता लिखा है, किताब लिखा है राम की शक्ति पूजा। तो उसके बाद राजघाट, इसके बाद सर ये निकलते हैं सर फिर कंधे लेके। अच्छा वो राजघाट में है? नहीं सर आज जाना था, हम लोग सर देख लिए सर, मैं कल उसमें एक नदी में जैसे विसर्जन होते रहे नहीं, 3 पोखरे सर, 3 पोखरे बनाए, 3 पोखरे बनाए, महसरा में बनना था, 3 पोखरे सर वहाँ पे हैं राप्ती किनारे सर बने हैं, हाँ। एक सर महेश्वरा बना है, हाँ। और एक डोमिनगढ़ में बना है। डोमिनगढ़
और वहाँ तक जाम फंस गया था। तो इस बार कल जो है 15 कई बार ऐसा होता ना कि जैसे अभी तो खुला आसमान है, अब अचानक उस टाइम पे बारिश हो जाए, है ना, जो कच्ची सड़क है अभी तो दिखता है कि ठीक है, लेकिन बारिश हो जाए तो फिर वो फंसने लगते हैं, तो फिर पता फिर इधर पलट गया उधर, मतलब विसर्जन में सर ये चौराहा सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तीन तरफ से मूर्तियाँ आती हैं सर, इधर से मूर्तियाँ आएंगी, तार देखना आजकल तार भी कर रहा है कमाल, जितने भी कर रहा है तार ही कर रहे हैं क्या, तो इतनी ऊंची तो कोई भी नहीं होता है, लेकिन जब आदमी उसके डीजे के ऊपर चढ़ गए थे वहीं पे भटक गए डीजे पे कर रहे थे, हाँ, तो उसके बाद अगर वो और चीज़ खड़ा करेगा तो लग ही जाएगा, फॉर नथिंग है ना, जिसका कोई अदरवाइज नहीं, फिर लास्ट में जाके वो भी लॉ एंड ऑर्डर में आएगा, चाहे वो पहिया फंस जाए या तार भी छू जाए। चलिए, अच्छा है। हम अपनी व्यवस्थाओं को परखने के लिए अभी निकले थे, तो विभिन्न थाना चौकी और संवेदनशील स्थानों पर मैं से देखने निकले थे कि हम क्या हो रहा है और हमारी अलर्टनेस की स्थिति क्या है। मुझे कहने में संकोच नहीं कि हमारे लोग जो है, जो भी अधीनस्थ लोग हैं, वो तत्परता से और संजीदगी से काम कर रहे हैं, और जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, चाहे दुर्गा पूजा को लेकर हो या अदरवाइज सामान्य कानून व्यवस्था को लेकर हैं, स्थिति ठीक है, संतोषजनक। मैं अभी यही कर रहा था, जैसे आपने देखा होगा कि बिजली के तार है, उसमें एक्सीडेंटल मामले भी बहुत सारे होते हैं, फिर एक्सीडेंट के चलते जैसे मोहर्रम में आपने देखा होगा, देवरिया में हो, बटवट में हो, उसमें एज सच और कोई बात नहीं थी, तो वो तार छू जाने के कारण करंट लग गया, कोई गिर गया, फिर देवरिया में वो ट्यूबलाइट के कटने से फिर अफवाह फैल गया कि तलवार से काट दिया गया, फिर उसको लेके फिर तोड़ फोड़ सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों में तोड़ फोड़ हुई, और मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तैयार कर दिए थे। तो कई बार हम लोगों को ये भी देखना होता है कि जो पुलिसिया व्यवस्था जो है उसके साथ साथ में जो सार्वजनिक व्यवस्था है, जैसे रास्ता है, बिजली के तार है, और वो जो लेके रथ वथ चलते हैं उसमें कितनी ऊंचाई तक कहाँ से निकल सकते हैं, उसको देखने की आवश्यकता है। सर, लाखों की संख्या आती है विसर्जन के दौरान, वहाँ पर चौराहे पे लोग चल रहा है, इसके लिए क्या व्यवस्था, अलग से कुछ पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई? नहीं, व्यवस्था दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। अभी हमारे SPCD साहब और ADM साहब ने अभी जैसे बताया कि वो जाके कहाँ विसर्जन होना है, वहाँ पोखरे का निरीक्षण कर लिया है, महेश्वरा में हो या डोमेनगढ़ हो या राप्ती में है, वो कर लिया गया है, हम सबसे बेहतर व्यवस्था देने के प्रयास में हैं।